और एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान लेकर मादीनगर विधानसभा से निश्चित ही विजयी होकर जाने वाले हैं श्री राजेश सिंह जी। मंच पर उपस्थित एनडीए के सभी नेतागण, मंडल के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय भाई और बहनों, जहांगीर भाई खींचिए, लाइट से आता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपको विस्तार से बता चुके हैं और मैं स्पष्ट उन लोगों से कहना चाहता हूं जो कमल निशान अभी जिनके गाड़ी पर से उतरी नहीं और कहते हैं कि मैं बीजेपी वाला हूं और राजेश जी के खिलाफ बात करने वाले हैं, भारत माता की जय कहने वाले लोगों, ऐसे धोखा देने का काम मत कीजिए। कमल निशान उतार दीजिए, घर बैठे हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, नहीं तो आज एक बार अंतिम निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने घर में वापस आकर कमल खिलाइए। इतने पहले आकर थे लेकिन अगर न मानेंगे तो उनकी बात को मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है। वो पार्टी को धोखा दे रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को धोखा दे रहे हैं, कमल निशान को धोखा दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को धोखा दे रहे हैं। क्या कहे बोलेंगे, 370 धारा हटाने के बाद जिन्होंने शिकायत शुरू कर दी, वैसे जमात में जाकर खड़े होने वाले को महदीपुर की धरती, उनको किसी भी उनके बहकाने में आने वाली नहीं। राजेश जी, आप क्या चिंता करते हैं भाई, इतने लोग खड़े हैं, आप चिंता मत कीजिए उन लोगों की। आज अंतिम चिंता करके हम इस माइक से बोल रहे हैं, आज से उनकी चिंता भी मैं भी छोड़ दे रहा हूं। एक आग्रह के साथ आइए, मैं आप लोगों के बीच क्या कह जा रहा हूं, मैं दरवाजे दरवाजे गया हूं, मैं घर घर गया हूं, अपने वैसे मित्रों को जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहकर मजबूत करने का काम किया है, वैसे लोगों को मैं चरण स्पर्श पर बंधन करने के लिए घर घर गया हूं, घर घर गया हूं, मैं आपको बता रहा हूं। उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ रहे तो अब समय नहीं है। एक बार गिनती करके हम उसे कह रहे हैं, कमल निशान को यहाँ विजयी होने से कौन रोकेगा जब आप लोगों का आशीर्वाद है, जब इनको माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, भारत के सभी प्रधानमंत्री जी का, इनको भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल जेपी नड्डा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को उनका कार्य रखा तो हम यह कहकर हमारे अध्यक्ष जी इसी लंबा है भाई, सर झुका के आगे माइक के सामने सर झुकाऊंगा आप लोगों से बोले 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 सारी बात कर दी। हम जनसंवाद हमारा नाटक करके मैं भारतीय नगर के भाई और बहनों को हाथ जोड़कर नमन कर रहा हूं, आपके मैं चरण रक्षा भी और सर्वंग रक्षा भी हूं। महती नगर में पहली बार जात पात के नारे के बिना चुनाव हो रहा है और जात पात के नारे देने वालों को हर समाज, हर वर्ग, हर गांव करारा जवाब दे रहा है। विकास की बात भरोसा इस बार जताया है कि उजियारपुर के लोगों ने जिसको आशीर्वाद देकर सांसद बनाकर भेजा है, वह सीमा की सुरक्षा में जी जान लगा देगा, पीछे नहीं हटेगा। मैं आपको वचन दे रहा हूँ, उजियारपुर उजियारपुर इस धरती पर आप कमल खिलाइए, सीमा की रक्षा में हम दिन रात लगे हैं, आपके मान सम्मान को झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। अपने प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में अपने
गृह मंत्री जी के साथ और राफेल राजनाथ जी ला कर दिए हैं, राफेल ला कर दिए हैं, कोई हमारा पड़ोसी देश हमारे पर छाप भी नहीं सकता है। बहुत पवित्र धरती है, गंगा के तट की धरती है। राजेश जी के विषय में बताने की जरूरत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी चर्चा कर रहे थे, दिन रात लगा है, निस्वार्थ भाव से लगा है। कौन करता है बहने, कौन करता है कमाई? हमारे घर में तो बेटा से ज्यादा इज्जत दामाद का होता, बेटा और दामाद में अंतर क्या है? एक अगर हम दामाद का इज्जत करते हैं, उसमें बेटी की भी इज्जत है और बेटा का भी इज्जत है। ऐसे कहने वाले लोग अपने गिरवान में झांक कर देख लीजिए, क्या आपका यहां राजेश सिंह बाहरी नहीं। प्रधानमंत्री जी के दिए ही उस चावल से खरना के दिन खीर बनाइए और उस गेहूं से ठेकुआ बनाइए। बगल में गंगा मैया है या जो घाट मिले उस घाट पर छठ मैया की पूजा कीजिए। उसके पहले 3 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाइए, जो कमल 10 तारीख को खिलेगा उसको आप खिलाइए। क्या आग्रह करने आए हैं? विकास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वचन दे के जाता हूँ। जो भी अभिलाषा आपको, हमसे भी आशा रखने का अधिकार है, राजेश जी से भी आशा रखने का अधिकार होगा। आप राजेश जी से जो भी आशा अपेक्षा कर रहे हैं, चाहे विकास का, सम्मान का, न्याय का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ खड़े हैं, उनको साक्षी मानकर मैं आपको वचन देता हूँ कि चाहे विकास का मामला हो, सम्मान का मामला हो, न्याय का हो, चाहे आपके स्वाभिमान को ऊंचा करने का हो, राजेश सिंह के साथ नित्यानंद राय खड़ा रहेगा। और नित्यानंद राय इतना सक्षम है कि आपकी आशा और अपेक्षा को पूरा करने में सक्षम है, आपकी आशा और अपेक्षा को पूरा करें। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने आपको, आप हाथ उठाकर एक बार विश्वास दिलाइए कि हाथ से कमल खिलेगा, राजेश भाई जीतेंगे और बोलिए भारत माता की, भारत माता की।